हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। सर, बंगाल और असम में दो फेज की वोटिंग समाप्त हो गई है, दो फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी अपने आप को किस स्थिति में देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में सरकार बना रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का जो दुर्ग था, वह दुर्ग दो कारणों से समाप्त हुआ है। एक तो राजनीति में हिंसा की संस्कृति को उन्होंने मुख्य धारा बना दिया था, अपने वैचारिक और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधना, उनकी हत्या, उनके उन पर आक्रमण लगातार उस राज्य में होता रहा। दूसरा, जिस प्रकार से अजनायकवादी तरीके से, नादिर शाह की तरीके से उन्होंने शासन किया, वह लोकतांत्रिक जनता नापसंद करती है। इसलिए बंगाल की जनता, जो कला, साहित्य, संस्कृति की प्रेमी रही है, वह कभी भी ऐसे शासन को अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर, दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो ये जानना चाह रहे हैं कि नंदीग्राम में बम्पर वोटिंग हुई, ममता बनर्जी खुद बूथों का दौरा कर रही, तो वो जीत रही, नंदीग्राम से हार रही है? देखिए, ममता बनर्जी का जो रुख था, वही बताता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। चुनाव से पहले मिस्टर पॉल को फोन करके, वहां के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता को, और उनसे समर्थन लेना, उनसे मिन्नतें करना कि उनके साथ आ जाए, और पॉल के द्वारा उसको खारिज करना, यह कहकर कि बीच मझधार में मैं अपने मूल्यों, विचारों और अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ सकता, यह ममता बनर्जी के ऊपर एक तमाचा था। दूसरा, जिस प्रकार से नंदीग्राम में वो जाकर लंबे समय तक चुनाव प्रचार की, साधारणतया मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्रों में सांकेतिक रूप से जाते हैं, उनका जितना लगभग तय रहता है, लेकिन ममता बनर्जी हार की आशंका से मंदिर मंदिर जाना, 11 मार्च की एक रिपोर्ट थी कि 28 घंटे में 19 मंदिरों का दौरा की थी। इससे मुझे लग रहा है कि नंदीग्राम में हवा उनकी विपरीत बह रही है और चुनाव हार रहे हैं। तो यहाँ बड़ा दावा के सिंह ने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए शशांक कुमार।